रोहित शर्मा के और विराट कोहली के जाने के बाद इंडिया बिल्कुल बेकार हो चुकी है। तो भाई इंडिया बिल्कुल बेकार नहीं हुई, इंडिया चैंपियन है और चैंपियन रहेगी, मैं तो यही बोलूंगा। भाई अभिषेक को भाई मैं सलूट मारता हूँ, भाई बंदे ने किस तरीके की बैटिंग करी है यार, जो 100 रन मार दिए और जो खास इनका जो मतलब मैच जितवाया है ना वो जितवाया अभिषेक ने। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? तो भाई नई वीडियो के साथ आपका भाई हाजिर हो चुका है। यार कल वीडियो इस वजह से नहीं बना पाए क्योंकि थोड़ी मसरूफियात थी, तो आज मैं बनाने वाला हूँ वीडियो। सबसे पहले अभिषेक को भाई मैं सलूट मारता हूँ, भाई बंदे ने किस तरीके की बैटिंग करी है यार, जो 100 रन मार दिए और जो खास इनका जो मतलब मैच जितवाया है ना वो जितवाया अभिषेक ने। जिस तरीके की यार बंदे ने बैटिंग करी मैं तो भाई फैन हो गया। और रूतर्ज ने भी अच्छा खेला, 77 रन बनाए। रिकू सिंह 2 रन से 50 से लगाए, 48 बनाए। बाकी इनके जो बॉलर है उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग करी है, विकटे ली है काफी। तो यार सबसे पहले मैं इंडिया को वेल्डन बोलना चाहूंगा क्योंकि यार 234 रन का टारगेट। हम ये समझ रहे थे कि रोहित शर्मा के और विराट कोहली के जाने के बाद इंडिया बिल्कुल बेकार हो चुकी है। तो भाई इंडिया बिल्कुल बेकार नहीं हुई, इंडिया चैंपियन है और चैंपियन रहेगी, मैं तो यही बोलूंगा भाई। अच्छा लोग यार अक्सर मुझे बहुत गलत गलत कमेंट पास करते हैं कि हारी से हारी। देखो भाई मेरी इंडिया से कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है, जस्ट मैं फन करता हूँ, आपने देखा होगा, जस्ट फन। और इंडिया से मैं मोहब्बत करता हूँ कि इंडिया के लोग यार बहुत अच्छे हैं, मेरे कजन भी रहते हैं वहाँ, काफी बातचीत होती है, वो लोग भी मैसेज कर रहे होते हैं यार ये क्या क्या चल रहा है। मैं बोलता हूँ भाई इंडिया लव है और इंडिया से हम मोहब्बत करते हैं। दूसरी बात मैच की कहना चाहूंगा, 234 रन बनाए और 134 पे जिम्बाब्वे को आउट कर दिया था 19 ओवर में। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा यार, देखो मेरे को जहां अब ऐसा लग रहा है कि चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया टफ टाइम देने वाली हर टीम को, हो सकता है जीत भी सकती है इंडिया चैंपियन ट्रॉफी, कुछ भी हो सकता है। तो भाई इंडिया वालों आपकी टीम भाई बाकी करके दिखाया। और अभी से समझ लो नया लड़का है जैसे हमारा साइन यूब है, इस तरीके के लड़का है वो, उसने भाई इंडिया अगर गिरती है ना तो उठना भी जानती है, मैंने ये चेक कर लिया। अरे बहुत अच्छी लड़कों ने भाई मेहनत करी, बैटिंग की वजह से लोग मैच जीते। अनुमान भाई आप क्या कहना चाहेंगे? भाई मैं तो ये बोलूंगा जिस तरीके से इंडिया ने कम बैक करा, क्योंकि पिछले मैच के अंदर जो पूरी की पूरी टीम बैटिंग लाइनअप कोलैप कर गई, बॉलर इतने खास काम नहीं करे उनका और वन साइडेड मैच जीत गया जिम्बाब्वे। लेकिन जिस तरीके से कम बैक करा और इतना बड़ा टोटल दे दिया जिम्बाब्वे को उसी पिच के ऊपर, तो ये बहुत बड़ा क्रेडिट है और ये बहुत टर्निंग पॉइंट होता है कि आप सीरीज के अंदर इस तरह डाउनफॉल से आप डफोरा नहीं आप हो जाओ तो। और ये क्या कहते हैं, बॉलर को भी क्रेडिट जाता है जिस तरह बॉलर ने अपनी बॉलिंग करी और जिस तरीके से उनको 144 पे आउट कर लिया, 134 के ऊपर आउट कर दिया 19 ओवर में, तो ये भी बताता है कि बॉलर्स ने भी कमबैक करा है। बैटर उन्होंने भी करा, बॉलर्स ने भी करा, पूरी टीम ने कमबैक करा। और ये है कि हालांकि बी टीम है जो हमारी वर्ल्ड कप खेल रही थी T20, वो वाली टीम अभी रेस्ट पे, और बी टीम खेली वो लड़के जो IPL के अंदर उन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंस दी हुई और इस तरीके से इंडिया के अंदर सेलेक्ट हुई है। लेकिन ये है कि जिस तरीके से उन्होंने कमबैक कराना है तो ये तारीफ के लायक है यार। और वरना तो पहले मैच में ऐसा लग रहा था यार शुभमन गिल जो है ना बस इनका पुराना, अभी ये नहीं कर पाएगा, कप्तानी के लिए काबिल नहीं है, नहीं कर पाएगा और ये टीम हार जाएगी। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से कमबैक करा उन्होंने बता दिया कि भाई हमारी टीम, हमारी जो डिसम्बर जर्सी है वो इंडिया की है, हम कमबैक करना भी जानते हैं अगर हारना जानते हैं तो। बोले ये बहुत बड़ी चीज़ है, तो मेरे को तो ये लगा कि यार ये हार जाएगा, लेकिन जिस तरीके से बड़ा टोटल दिया मैंने जब नोटिफिकेशन देखा यार बड़ा टोटल, मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो गाइस उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो भाई अगर पसंद आई हो तो इसको हमारे जो फेसबुक पेज है इसको फॉलो कर दें जाके, और यूट्यूब जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर दें, और हमें बताएं कमेंट्स में भाई कि हम बात सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, और बताएं कि किस पे वीडियो बनाएं। तो रखें अपना बहुत सारा ख्याल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखें अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।